हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज फिर से जो है SSC CHSL वालों के लिए एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। दोस्तों आपको पता होगा कि SSC CHSL जो है उसकी एग्जाम थोड़े दिनों में आपकी शुरू होने वाली है, तो उन लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, आपकी डेट कौन सी एग्जाम की, या फिर जिन लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा जो है एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिख रहा है, या फिर हमारा फॉर्म जो है पूरा जो है एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें क्या करना है। तो इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ और हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉमन से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि SSC CHSL जो है एडमिट कार्ड 2023। ओके, यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है 17 फरवरी से दिखना शुरू हो चुका है। आपकी एग्जाम डेट 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक रहेगी। सभी को पता होगा एग्जाम डेट कब है, यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन से आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, बिफोर 4 डेज, आपकी एग्जाम है उसके 4 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आपका शो करेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो आपको पता होगा कि 4,500 पोस्ट के लिए पूरी जो है वैकेंसी निकल कर आ रखी थी, तो उसके लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सारे रीजन की। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर देखें ऐसा कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आपने जिस जगह पर से फॉर्म एप्लीकेशन किया है दोस्तों, उसका रीजन चेक करिए पहले कि मैंने मान लो कि मैं बिहार का हूँ या फिर मैं गुजरात का हूँ। ओके, मैं गुजरात से हूँ लेकिन मैं अभी जो है काम की वजह से दिल्ली पहुँचा हूँ। अगर मैंने दिल्ली से जो अपना फॉर्म एप्लीकेशन किया है तो मुझे क्या करना है कि दिल्ली से ही जो है अपना रीजन चेक करना होगा। ओके, और दिल्ली से ही जो है मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन से आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रल रीजन दिया गया है, नॉर्थ रीजन दिया गया है। आपने किस जगह से आपका फॉर्म एप्लीकेशन किया है वो चेक करिए और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए, ता फिर जो है आपका पूरा जो है एडमिट कार्ड स्टे आपका शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा एक प्रॉब्लम शो हो गया कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो यूपी या फिर बिहार से रहते हैं और वो जो है फॉर्म एप्लीकेशन किया है किसी और जगह से और फिर वो चेक करेंगे अपना बिहार से या यूपी से, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं शो करेगा। तो कॉमन से यहाँ पर देख ले कि हम सेंट्रल रीजन से चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दे, आपको पता ही होगा वो लग यहाँ पर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए कॉमन से, और सबसे पहले यहाँ पर सिटी कौन सी डालनी है, जो सिटी आपने सबसे पहले जो है वो आपने सिलेक्ट कर रखी थी तो वो सिटी यहाँ पर डाल लीजिए और कॉमन से भी भर दीजिए और सीधा यहाँ पर क्लिक करिए सर्च नाउ पर, तो सीधा आपका जो है एडमिट कार्ड आपका शो करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि जिन लोगों का फॉर्म एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट किया गया है वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो है सीधा न्यू भर्ती के लिए अब प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। मेरा भी फॉर्म एक बार जो है रिजेक्ट कर दिया गया था MTS का पिछली बार का, तो फिर उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।